नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप के अपने YouTube चैनल इंडियन स्टूडियो में। तो दोस्तों, इन दिनों सलमान खान अपनी फिल्म भारत को लेकर खूब सुर्खियों में है और दोस्तों ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। वही दोस्तों, पिछले काफी टाइम से हमें संजय लीला भंसाली की एक बड़ी रोमांटिक फिल्म के लिए सलमान खान का नाम सुनने को मिल रहा था और अब लगभग संजय लीला भंसाली और सलमान खान के इस फिल्म पर मोहर लग गई है और इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दबंग 3 की शूटिंग खत्म होते ही सलमान खान इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे और सलमान खान के इस फिल्म का नाम पहले इंशाल्लाह बताया जा रहा था, लेकिन दोस्तों हाल ही में फिल्म की तरफ से दो नामों को रजिस्टर करवाया गया है, जिनमें से एक नाम है दिल दे दिया इंशाल्लाह तो दूसरा है प्यार हो गया इंशाल्लाह। हालांकि दोस्तों, यहाँ संजय लीला भंसाली इस फिल्म का नाम केवल इंशाल्लाह रखना चाहते थे, लेकिन अब संजय लीला भंसाली ने अपना मन बदल लिया है और दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि फिल्म की टीम ने इन दोनों नामों में से दिल दे दिया इंशाल्लाह को ज्यादा पसंद किया है और अब यहाँ देखने वाली बात होगी कि फिल्म का नाम फाइनली क्या रखा जाता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ देखा गया है कि संजय लीला भंसाली के फिल्मों के नाम वन वर्ड नहीं होते हैं, यानी फिल्मों के नाम कुछ लंबे होते हैं और ऐसे में फिल्म का नाम दिल दे दिया इंशाल्लाह हो सकता है। वही दोस्तों, सलमान खान के इस फिल्म में शाहरुख खान का एक कैमियो देखने को मिल सकता है। वही इस फिल्म की एक्ट्रेस के लिए अब नाम आ रहा है आलिया भट्ट का। जी हाँ दोस्तों, पहले जहां इस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब इस फिल्म के लिए आलिया भट्ट और सलमान खान की जोड़ी पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों, खबरों की माने तो इस फिल्म को साल 2021 में ईद के मौके पर रिलीज किया जाएगा और दोस्तों आप हमें बताइए, आपको सलमान खान के इस फिल्म का कौन सा नाम ज्यादा बेहतर लगा, दिल दे दिया इंशाल्लाह या फिर प्यार हो गया इंशाल्लाह? जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।